हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज ना थोड़ा सा मौसम खुला है, तो आज मैंने धोबी घाट लगा दिया है। ढेर सारे कपड़े धुल रहे हैं, एक बार के धुल चुके हैं, दोबारा की अभी मशीन लगाई है भर के पूरी, क्योंकि 3-4 दिन से ना ठीक से कपड़े धुले भी नहीं थे, थोड़े बहुत धुले थे बस, बाकी सब ऐसे ही पड़े थे। मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है। आज ना हवा भी अच्छी चल रही है, हालांकि बहुत तेज़ धूप नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा अच्छा सा मौसम है। और ये दोनों को मैंने यहीं पे बिठाया हुआ है कि भैया यहीं बैठो। बड़ी मुश्किल से कल पूरा घर साफ किया, फिर अभी ये उछलती घूमेंगी और सब जगह गंदा करेंगी, तो मैंने यहीं पे बिठा दिया इनको। ये देखिए आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, हल्की धूप भी निकल रही है, थोड़ा चटका सा है, और क्या नाम है, हवा तो तेज़ चल ही रही है। तो बढ़िया, आज कपड़ों का काम निपटाऊंगी पूरे, ताकि शाम को प्रेस करने बैठेंगे, प्रेस भी निपटाएंगे। भाई बहुत सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस के लिए, तो मैंने कहा पर आज है ना पूरा का धो देती हूँ कपड़े, ताकि टेंशन नहीं रहे, सब धो धा के डाल दूंगी, देखा जाएगा कैसे सूखेंगे। आज फास्ट भी है तो भूख भी लग रही है थोड़ी, और साथ साथ में थोड़ा सा काम भी कर रही हूँ, और अब भूख लगनी थोड़ी सी तेज हो गई है, तो लग रहा है कि एक कप चाय पी ली जाए। तो चलिए, अभी तो मैं ऊपर ही थी, अब जा रही हूँ नीचे और बनाती हूँ एक कप चाय, और चाय पीती हूँ पहले। जब तक चाय पीऊँगी तब तक मशीन भी हो जाएगी, तो फटाफट कपड़े सुखा दूँगी। ये देखिए पूरा ना किचन में कैसा अंधेरा हो गया है, क्योंकि आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये पूरा इस जगह पे ना मैंने वो पूरी पॉलीथिन डाल दी है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम आए। अब ये वाली जो जगह है, यहाँ से पानी आएगा तो सही, लेकिन वो उधर की उधर ही निकल के गिर जाएगा नीचे के, वहीं दीवार के सहारे सहारे से निकल जाएगा। अब ये यहाँ वाली जगह कम से कम थोड़ी सूखी रहेगी, तो कल हमने ये भी किया, इसीलिए किचन में काफ़ी ना अंधेरा अंधेरा हो गया है, लाइट जलानी पड़ेगी। बट ठीक है, कम से कम यार इतना गंद मच रहा था, कल मैंने जो साफ किया है तो पूरी वो चूना मिट्टी बजरी सीमेंट सब बह बह के आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा तो मैंने कहा साफ हो यार, बड़ा परेशानी हो गई है। खैर चलिए फटाफट बनाते हैं थोड़ी सी चाय और चाय पीते हैं। भाई ये बन गई है चाय, थोड़े से मखाने ले लिए हैं फ्राई किए हुए, और थोड़ी सी फ्राई की हुई मूंगफली, रोस्टेड है मतलब, फ्राई तो नहीं। थोड़ा सा कुछ खाते हैं, तभी पेट में कुछ जाएगा तो काम करने की एनर्जी आएगी। चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं। तो आज ना मुझे ये सोफ़ा क्लीन करना था, इतने सारे बाल और डर्ट इसके अंदर आई हुई है ना, ये कल भी जो है ना कीचड़ के पैर लेके घूम रही थी बाहर से, गीली मिट्टी में पैर करके, और बाल तो खैर इस समय इतने ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि जिनी और जूजू दोनों का हेयर फॉल हो रहा है बहुत भयंकर वाला, तो इसीलिए धीरे धीरे करके मुझे लगा सोफ़ा आज ज़रूरी है क्लीन करना। तो आज गीले कपड़े से तो नहीं क्लीन कर रही हूँ, सिर्फ वैक्यूम करूँगी ड्राई अभी, और देखती हूँ वैसे काफ़ी साफ़ हो जाता है। ये कपड़ा है ना इस मामले में बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा डिसीजन रहा कपड़ा चेंज कराना, क्योंकि ये इतना अच्छा है ना कि कोई भी स्पॉट कोई भी दाग होगा ना, बस गीला कपड़ा कीजिए थोड़ा सा सोप, मतलब लिक्विड सोप लेके। मैं वैसे डेजलो का एक क्लीनर आता है वो मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए ना, सोफ़ा क्लीनर, सोफ़ा और कारपेट क्लीनर आता है वही यूज़ करती हूँ, तो उसमें ज़रा सा डिप करके आप लगाएंगे ना पूरा गंदगी खींच लेके आता है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बट अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मौसम में अभी मॉइस्चर है काफ़ी, थोड़ा गीला रहेगा तो सूखने में टाइम लगेगा, तो अभी ड्राई वैक्यूम कर रही हूँ। इतने ढेर बाल निकले हैं ना सोफ़े का, ऐसा लग रहा है जैसे कलर ही नहीं दिख रहा था। और अब ना इसके थोड़ा सा ब्रशिंग कर देती हूँ, क्योंकि पूरा घर फिर से वैक्यूम तो करना ही है, बहुत बाल गिर रहे हैं, बाल दिख रहे हैं बहुत सारे। देखिए कल ही पूरा धोया था लेकिन फिर भी, तो अब देखो आप कितने सारे इसके बाल निकल रहे हैं, देखिए पूरे गुच्छे के गुच्छे निकल के आ रहे हैं। तो अब बस इनको है ना दोनों को ब्रशिंग करके अच्छे से और वैक्यूम कर देती हूँ, ताकि
थोड़ी देर तक के लिए तो घर में बालों से शांति रहेगी। बड़ी दिक्कत है इस समय पे, इतना हेयर फॉल हो रहा है इनका, कोट चेंज हो रही है तो पुरानी पूरी कोट निकलती है। पेट पेरेंट्स जो हैं वो जानते होंगे इस बारे में कि ये होता ही है। शाम हो गई भाई, मैंने तो खाना खा लिया है, व्रत था तो भूख भी लग रही थी, और फिर अच्छा है थोड़ा टाइम से खा लो तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कल है ना इसी चक्कर में ही सर दर्द हो रहा था, कल लंच लेट हो गया था उसी चक्कर में, भूखे भूखे काम करते रहे ना इसीलिए हालत ख़राब हुई थी। तो आज मैंने तो खा लिया टाइम से खाना, आज भी बस आते ही होंगे थोड़ी देर में, तो उनको भी खिला दूंगी फटाफट। गरम गरम आलू के पराठे बनाए थे मैंने, तो आलू के पराठे ही खाए हैं। बच्चा पार्टी भी खा पी के बैठी है आराम से, और इनको मैं घुमा के भी ले आई हूँ, तो आ जाएगा, ये एक काम भी ख़त्म कर दिया। सही है, शाम को इनको दे दिया था खाना, फटाफट इनको भी खाना वाना खिला के घुमा के, सब पसरे पड़े हैं, ये देखो सब सो रहे हैं, कितने बाल निकले हैं भाई, जिनी और जूजू के तो अत के बाल निकले हैं, मतलब हद हो गई, इतने इतने से गुच्छे बने हुए थे ढेर, पूरी इनकी ना कोट उतर रही है, और इनको रगड़ रगड़ के नहलाना चाहिए कायदे से, तो लेकिन नहलाने का टाइम भी नहीं लग पा रहा, और मौसम भी ऐसा अजीब सा हो रहा है, तो डर भी लग रहा है कि नहलाएंगे तो मालूम पड़ा बीमार ही हो गई हैं, एक तो उल्टियाँ कर ही रही थी, दूसरी और चालू हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात कर रहे हैं, बोल रही है, हाँ मैं उल्टी कर रही थी। चलो भाई, किचन और समेट देती हूँ फटाफट, बर्तन लगा देती हूँ, खाना खा के आलस आ गया, बर्तन लगा देती हूँ फटाफट, किचन साफ कर देती हूँ, फिर सोएंगे। अभी से ही नींद आ रही है, आज तो 7:30 ही बजी है, अभी तो अभी से ही नींद आ रही है, खाना खाने के बाद है ना, अभी ऐसा लग रहा है दिन भर से कुछ नहीं खाया था ना, तो अब ऐसा लग रहा है एकदम सो जाओ बस, काम भी मत करो। चलो फटाफट करके आती हूँ किचन, कपड़े भी आज सारे ही धुल गए, वाइट कपड़े बचे हैं बस, तो वाइट वाले तो इसलिए नहीं धोए आज क्योंकि जगह भी नहीं थी एक तो सुखाने की, और दूसरा फिर वो गला के भी नहीं रखे थे, थोड़ी देर गला के रख दो ना रिन में तो थोड़ा सा साफ हो जाते हैं अच्छे से, तो वाइट धोऊंगी कल। तो चलो भाई, फिलहाल तो उठ के जरा किचन साफ कर लें, चलिए। तो भाई हम आ गए हैं सोने, 11 बज गई है, काम वाम निपटा के सब, और एज यूजल जिनी जो है ना वो चिल्ला रही है, इसका चिल्लाना ख़त्म होता नहीं है, ची 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 ची, चिड़िया की तरह रोती रहती है जब देखो जब, भाई इस लड़की ने इतना दुखी कर रखा है बहुत। खड़ी है अभी भी, सोएगी नहीं, मजाल क्या जो सो जाए, मतलब हद होती है यार जिद की भी, इतना जिद्दी कोई कैसे हो सकता है। देख रहा हूँ जिद एकदम ही हद है भाई, लाइट बंद होगी जब सोएगी वो, तो उसकी आवाज उसकी। तो चलो भाई लाइट करते हैं बंद और सोते हैं, ताकि ये महारानी भी सोए थोड़ी देर, सुबह 5 बजे 4 बजे से तो चिल्लाना चालू कर ही देती है, सोने भी नहीं देते हैं कि चलो इंसान 6-8 घंटे की नींद तो ले ले रात में शांति से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।